देखिए, भारतीय समाज पार्टी अपनी तैयारी, अनवरत संगठन का काम, चाहे ग्रास रूट से लेकर के हम लोग काम करते रहते हैं, और आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि दिल्ली में 29 दलों की मिला के सरकार चल रही है, यूपी में 3 दलों की है, तो बिना गठबंधन के कहाँ किसी का गुजारा है। तो जब चुनाव रह जाएगा 3-4 महीना तो गठबंधन होंगे, कहीं ना कहीं होंगे। पटना में एक मीटिंग हुई है विपक्षियों की, मायावती जी ने कहा कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, ये वाली मीटिंग थी। जब हाथ मिला है तो दिल भी मिलेगा। अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत इस बार 2024 में चुनाव जीतने का दावा किया है, क्या कहते हैं? देखिए, उनके इस बयान पर तो हमको हंसी आती है कि समाजवादी पार्टी में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको तो हर जाना चाहिए। जो नारा उनका है उस नारे में तो वह है नहीं, जो उसकी व्याख्या उन्होंने की है अखिलेश जी ने, तो उस व्याख्या में तो लोग हैं नहीं। जो भी लोग वहाँ हैं अब उनके विषय में क्या कहा जाए। आदि पुरुष मूवी को लेकर के आपका क्या बयान है? देखिए, जो सेंसर बोर्ड है उसकी गलती है, सेंसर बोर्ड से जो भी फिल्में पास होती हैं, सेंसर बोर्ड जो पास करता है तो वो इसी नाते वहाँ कि समाज में इसका कोई बुरा असर ना हो, कोई इस तरह की बात न आवे कि दुर्व्यवहार या दुराचार समाज में प्रदर्शित हो। बॉलीवुड की सरकार ने जो है फिल्म बनाने वाले जितने भी एक्टर्स हैं उनको जो जलाने के बारे में कहा, क्या कहते हैं? मुकेश खन्ना एक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि पूरी फिल्म को जिंदा जला देना चाहिए। आखिर इसमें पास कौन किया, सेंसर बोर्ड ने क्यों अनुमति दी? देखिए, दो चीजें आती हैं, एक तो फिल्में बना करके उसमें कुछ चीजें ऐसी डाली जाती हैं कि प्रदेश में देश में विरोध हो ताकि वो फिल्म ज्यादा से ज्यादा रुपया कमाए, एक तो ये कल्चर फैल गया है। दूसरा कल्चर की जो सेंसर बोर्ड है अब उसकी लापरवाही हो गई। आपने उस फिल्म को देखा है? नहीं, हमने देखा नहीं है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चीजें हमने उसको देखा है। भाजपा के जो नेता लोग हैं वो अपने उड़न पटोले से उड़ उड़ के प्रचार कर रहे हैं, बहुत विकास किया है, कैसा ये विकास है कि लोगों को दिख नहीं रहा, उड़ उड़ के प्रचार करना पड़ रहा है? देखिए, जब हेलीकॉप्टर से कोई जाएगा तो यहाँ कीचड़ में जो खड़े हैं उसको क्या पता है कि सड़क पे कीचड़ है, गड्ढा है, क्या है, उसको क्या पता होगा। अभी आप दो घरों पे जा रहे हैं, दिवंगत दो घरों पे, क्या आप और भी जाएंगे जहाँ पर ये जघन्य घटना हुई है नाबालिग बालिका के साथ? देखिए, आज हम आए हैं, जहाँ जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ वहाँ तक जाएंगे, और हमारी कोशिश हो रही है कि हम जो दुखी लोग हैं जिनके परिवार के साथ घटनाएं हैं वहाँ तक हम जाने का प्रयास करते हैं।